So another good example is Anushree has to pay 4% as sell tax. In addition to the price of a certain article. Find the price of her article if she pays 2.60 rupees in all. सबसे पहले क्वेश्चन में ध्यान दें, 4% एज सेल टैक्स मीन्स जितने भी हम मार्केट से गुड्स और आर्टिकल्स और जो भी परचेसिंग करते हैं उन पे गवर्नमेंट कुछ हमसे टैक्सेस चार्ज करती है, ठीक है, वो हमें एक्स्ट्रा देने होते हैं. लाइक आप लोग चॉकलेट्स डेयरी मिल्क लेते हैं, लेट से उसकी कॉस्टिंग 80 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ ऐसे टैक्स लेती है, देन हम उसको पे करते हैं 20 रुपीज़. वो टैक्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहते हैं, ठीक है. तो हम जो भी अमाउंट कोई पर्टिकुलर चीज़ के लिए पे करते हैं उस पर गवर्नमेंट हमसे टैक्स ऑलरेडी लेती है. सेम अनुश्री के साथ हो रहा है, वो कोई आर्टिकल या कोई चीज़ और कोई थिंग परचेस कर रही है, उस पर वो 4% एज टैक्स दे रही है, बट हमें पता ही नहीं कि वो आर्टिकल कितने का है. तो सबसे पहले हम आर्टिकल की प्राइस कैज्यूम करेंगे, आइदर एक्स और 100, जैसे मैं आपको हर क्वेश्चन दो मेथड से बता रही हूं. सो लेट द आर्टिकल प्राइस बी एक्स रुपीस. नाउ शी इज पेइंग 4% एक्स्ट्रा टैक्स दे रही है वो एज सेल्स टैक्स. तो क्या होगा, 4% पहले हम स्टेटमेंट बना लें, 4% ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, प्राइस ऑफ आर्टिकल इज एक्स. अब क्या हुआ, 4% रिमूव किया ऑफ एक्स, कितना हो गया 4x/100 रुपीस. इतना रुपीस वो एक्स्ट्रा दे रही है, मीन्स आर्टिकल की प्राइस कितनी है एक्स, तो उसे एक्स देना चाहिए शॉपकीपर को, बट नहीं, शॉपकीपर उससे टैक्स भी चार्ज कर रहा है, तो वो कितना अमाउंट देगी उसको, एक्स प्लस 4x/100. इसको अब हम सिंपल सी लैंग्वेज में लेते हैं, 10 रुपीज की चीज है, 10 रुपीज का कोई आर्टिकल है और चॉकलेट है और वॉट एवर यू लाइक, ठीक है. शॉपकीपर कहता है मैम आपको इस पे 2 रुपीज एक्स्ट्रा देने होंगे, तो आपका इमीडिएटली जवाब क्या होगा, मैम यू नीड टू पे 12 रुपीज, 10 रुपीज उसकी कॉस्ट है एंड 2 रुपीज ही इज चार्जिंग एक्स्ट्रा, तो 10 + 2, ये तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं. सिमिलरली उसकी कॉस्टिंग अगर एक्स रुपीज है और उसको एक्स्ट्रा कितना देना हो रहा है 4x/100, तो टोटल कॉस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल इज 100x सो इट इज 100x एंड इट इज 4x, सो फाइनली इट इज 104/100, ठीक है, ये आ गया एलसीएम. ओके, अब आप लिख सकते हैं शी पेज फॉर पर्टिकुलर आइटम व्हाट अमाउंट शी इज पेइंग, शी पेज 2.60 रुपीज, मीन्स 104x/100
इज इक्वल टू 2.60 रुपीस। क्यों दोनों इक्वल कर दिए मैंने? बिकॉज अगर हम x की लैंग्वेज में बोलें तो हाउ मच अमाउंट शी इज पेइंग 104x/100, एंड उन्होंने अगर नंबर या रुपीस के फॉर्म में दिया है तो ऑलरेडी दिया है कि आर्टिकल की प्राइस फाइनली जो वो दे रही है दैट इज 2.60 रुपीस। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि आपको शॉपकीपर कोई 10 रुपए में चीज दे रहा है, उस पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो व्हाट अमाउंट यू आर गिविंग? 12 रुपीज, 10+2। तो ये कहिए हमने यहां कर दिया, ठीक है। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। इंटू 100/104, राइट। इसका हटाया हमने डेसिमल, 2 जीरो हो गए, 0 0 विल बी कैंसिल, इट इज 260/104। आइदर यू कट इट और डिवाइड दीजिए, तो योर आंसर इज 2.50 रुपीस। देखिए आर्टिकल जो था इट इज 2.50 रुपीस, 4% शॉपकीपर इज चार्जिंग एक्स्ट्रा एज सेल टैक्स, इसलिए अनुश्री को कितना रुपया देना पड़ा? 2.60 रुपीस। अगर हम देखें तो 10 पैसा शी इज पेइंग एक्स्ट्रा। इसको लेट से चॉकलेट समझ लें, तो चॉकलेट प्राइस इज 2.50, बट यू हैव टू पे 2.60 बिकॉज टैक्स इज 10 पैसा और 4%, ठीक है। तो ये था हमने x से सॉल्व किया। अब हम इसे 100 से सॉल्व करें, देखिए कितना इजी हो जाएगा। नाउ लेट द आर्टिकल प्राइस बी, अब ये हमारा अल्टरनेट मेथड है ना, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? 100 रुपीज, मीन्स अनुश्री कोई आर्टिकल खरीद रही है जिसका प्राइस कितना है? 100 रुपीज, जो हमने अज्यूम किया है। नाउ शी इज पेइंग 4% एज सेल्स टैक्स इन एडिशन, एक्स्ट्रा देना हो रहा है उसे 4%। तो हम क्या करेंगे? 4% ऑफ 100 मीन्स 4/100 × 100 इज इक्वल टू 4 रुपीस। ये हुआ आपका सेल्स टैक्स, ठीक है, 4 रुपीज वो पे कर रही है। अब आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना हो गया? 100 रुपीज कॉस्ट है, 4 रुपीज टैक्स है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 104 रुपीज। आपका इंट्रोड्यूस होगा यूनिटरी मेथड। देखिए कितना सिंपल हो जाएगा यही क्वेश्चन। इफ 104 रुपीज शी इज पेइंग देन द कॉस्ट इज 100 रुपीज, जो हमने एज्यूम करी। इफ सपोज 1 रुपीज शी इज पेइंग देन द कॉस्ट इज 100/104 रुपीज। यूनिटरी मेथड सबसे इजी मेथड होता है अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। इफ उन्होंने क्लियर दिया है वो कितना पे कर रही है, 2.60 रुपीज। इफ शी इज पेइंग दिस मच अमाउंट देन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल शुड बी, सॉल्व कर लीजिए, इसको हमने अभी जस्ट सॉल्व किया है तो मैं आपको डायरेक्टली लिख देती हूँ। अगर वो इतना अमाउंट पे कर रही है तो इसका मतलब आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी? इतनी थी, यानी 10 पैसा शी इज पेइंग एक्स्ट्रा इन एडिशन एज सेल्स टैक्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दोनों मेथड से हमने बताया, बट मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 100 रुपीज अज्यूम करके ज्यादा अच्छे से होगा। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी। After spending ट्वेंटी ऑफ द रिमाइंडर, ध्यान दीजिएगा वर्ड पे रिमाइंडर, मीन्स जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है
उसका वो 25% स्पेंड कर रहा है. ही हैज रुपीज 480 लेफ्ट. हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव? सेम क्वेश्चन है जो हम लास्ट कर रहे हैं. हाउ मच मनी डिड ही एक्चुअली हैव? वही अज्यूम कर लीजिए 100, बट हम एक्स से भी करेंगे 100 से भी करेंगे. ठीक है, इसको हम पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. लेट से हमारे पास 1000 रुपीज है. उस 1000 में से सबसे पहले हमारा 20% तो लॉस हो गया. मीन्स हम 1000 का 20% निकालेंगे, फिर हम माइनस करेंगे क्योंकि वो तो लॉस हो गया है, अमाउंट लॉस्ट हो चुका है. तो बचा हुआ अमाउंट मीन्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट और यूके से रिमेनिंग अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे. सेम पैटर्न में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, वही अज्यूम करेंगे जैसे हम करते हैं. लेट द मैन ओरिजिनली हैड, क्योंकि हमें नहीं पता उसके पास कितना था, तो हमने अज्यूम कर लिया एक्स रुपीस. नाउ फर्स्ट इज ही लॉसेस 20% ऑफ हिज मनी. अभी की कंडीशन में ही हैज एक्स रुपीस. सो 20% ऑफ एक्स means 20/100 into x, 20x/100. This is losses. Loss हुआ उसे. Now remaining amount he has left. इस उसके पास कितने पैसे थे? एक्स रुपीस. उसमें से ही लॉसेस दिस मच. सो इट इज 100x-20x/100 इज इक्वलेंट टू 80x/100 रुपीस. यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा. इतना अमाउंट ही हैज लेफ्ट. अब उस लेफ्ट अमाउंट में से भी उसने एक्सपेंडिचर किया. इसी का सेकेंड पार्ट हो गया 25% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ही इज स्पेंडिंग. ठीक है, सो व्हाट यू विल डू 25% ऑफ, यहां x का 25 नहीं आएगा, रिमेनिंग अमाउंट. सो द रिमेनिंग अमाउंट इज व्हाट? दिस. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे. 25/100 इंटू 80x/100. टू थाउजेंड एक्स अपॉन 100 इंटू 100, तो 3 जीरो आपके कट डाउन हो गए एंड इट इज 2x. इसको 100 में ही रहने दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा. 2 ही 0 हम कट डाउन कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है, नीचे 100 रहे तो हमारे लिए इजी हो जाता है. 20x/100, हमने 2 ही 0 कैंसिल किए, 3rd 0 नहीं किया. सो अब ये इसने फिर इस पर एक्सपेंडिचर कर दिया. मीन्स ही हैज स्पेंड 20x/100. अब उसके पास कितना बचा है? ही हैज लेफ्ट 480 रुपीज. सो व्हाट यू विल डू? हम माइनस करेंगे. सो ही हैज लेफ्ट 80x/100 माइनस 20x/100, क्योंकि ये बचा था, उसमें से उसने इतना अगेन स्पेंड कर दिया. सो नाउ ही हैज फाइनली 60x/100 रुपीज. इतना फाइनल पैसा उसके पास बचा.
सेम हमने पॉकेट मनी के बहुत सारे एग्जांपल ले लिए कि हमें जितनी पॉकेट मनी दी और जितना जितना हम खर्च करते जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सबको माइनस करते जाते हैं और फाइनली जो अमाउंट बचता है वो हमारी सेविंग होती है। सिमिलरली ही फर्स्ट इसका एक्सपेंडिचर हुआ तो उसके पास इतना अमाउंट बचा, सेकेंड एक्सपेंडिचर उसका कितना है ये, वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनली ही है 60x/100। अब इतना अमाउंट जब बचा, मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, सो नाउ 60x/100 इज इक्वल टू 480 बिकॉज दिस इज फाइनल अमाउंट ही हैज लेफ्ट एंड दिस इज फाइनल अमाउंट ही हैज लेफ्ट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 480 × 100/60 ₹800 उसके पास थे, उस 800 में से 20% तो उसे लॉस हो गया, मीन्स ₹160 ही हैज लॉस्ट। देन बचा हुआ जो भी अमाउंट था उस अमाउंट का 25% ही हैज स्पेंड एंड फाइनली उसके पॉकेट मनी सेव हुई ₹480। ठीक है, ये तो हमने किया एक्स से, बट स्टिल मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम इसे ₹100 से करके देखते हैं, देखिए कितना इजीली हो जाएगा। बट मुझे आपको दोनों इसलिए समझाना जरूरी है कि आपको एग्जाम में जिससे क्लिक हो जाए आप उससे सॉल्व करें। ठीक है, अब हम अज्यूम कर लेते हैं मैन के पास कितने रुपीज है, ₹100 है, तो आपका क्या होगा, लेट मैन हैड ₹100 नाउ 20% ऑफ 100 इज लॉस्ट, ही लॉसेस 20% ऑफ 100। इसको सॉल्व करें, 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 100, ₹20 इज लॉस, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज यस 100 − ₹20, सो ही हैज ₹80 ना। ठीक है, अब इस पे भी उसने स्पेंड कर दिया, सेकेंड 25% ऑफ रेस्ट, शॉर्ट में लिख देती हूं मैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो क्या होगा 25/100, रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना आ चुका है ₹80। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 × 25, 25 × 4 = 100, ₹20। अगेन उसने ₹20 स्पेंड कर दिया। ठीक है, तो कितना हुआ उसका, अब उसके पास कितने बचे, नाउ फाइनली ही हैज लेफ्ट अमाउंट इज 80 बचे थे उसमें से अगेन 20 ही हैज स्पेंड, सो ₹60 इज रिमेनिंग। ठीक है, सब कुछ स्पेंड करने के बाद फाइनली ही हैज ₹60 व्हेन ही हैड ₹100 एज ए टोटल। तब आपकी इक्वेशन बन जाएगी यूनिटरी मेथड की, इफ ₹60 इज लेफ्ट देन ही हैड ओरिजिनली ही हैड ओरिजिनली ही हैड हमने क्या अज्यूम किया था, ₹100। यूनिटरी मेथड बहुत ही ईजी पड़ता है इसलिए मैं आपको दोनों मेथड से बता रही हूँ। अगर ₹1 बचा है तब उसके पास कितने रुपीज होंगे, 100/60, अगर 480 ही हैज लेफ्ट देन उसके पास कितना होना चाहिए था, 100/60 × 480, सो फाइनली इट इज ₹800। हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हमने जल्दी से कर लिया, मीन्स मैन हैड ओरिजिनली ₹800 उसमें से सारे एक्सपेंडिचर करने के बाद फाइनली ही हैज ₹480 लेफ्ट।
सिंपल सोबर और अच्छे क्वेश्चंस हैं, दोनों मेथड से बताए हैं, बट आप कोशिश करिए कि हम 100 वाली मेथड से ही करें, ठीक है।